हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि किसी भी लहंगे में, फ्रॉक में, गाउन में अगर आप कैनकेन लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। तो ये मेरी कैनकेन है और इसमें एक साइड की किनारी को हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। इसको मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये देखने में भी अच्छी लगती है और इसकी किनारी हमारी जो इसके ऊपर हम फैब्रिक लगाएंगे लहंगे का तो उसमें उलझेगी भी नहीं। तो अभी हमने इसका नाप ले लेना है चौड़ाई का। तो इसकी चौड़ाई का हम नाप लेंगे इस तरह से। तो हमारी जितनी भी चौड़ाई आएगी उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमें जो हमारी लाइनिंग है उसमें हम नीचे से 1 इंच छोड़ के इसको लगाते हैं इस तरह से। तो हम 1 इंच यहाँ किनारी पर छोड़ देंगे जगह और फिर हम निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कैनकेन है इसकी चौड़ाई आ रही है 9.5 इंच, तो मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आपकी कैनकेन जितनी भी चौड़ी है आप रखना चाहते हो तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से आप अपने जो लाइनिंग है उस पर निशान लगा लीजिएगा। तो हम यहाँ से 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो हम पूरी लाइनिंग पर 10.5 इंच पर निशान लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे लहंगे पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम इन सारे निशानों को मिलाएंगे एक दूसरे से इस तरह से। एक लाइन खींच लेंगे ये पूरी गोलाई से जिस तरह से हमारे आए हैं निशान इस तरह से। और अम्ब्रेला लहंगा की आप कटिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर डाल के रखी है। तो अब मैं इस लाइन को थोड़ा थोड़ा इस तरह से ठोकूंगी जिससे हमारी दूसरी साइड भी लाइनिंग पर निशान आ जाएंगे। हमें दूसरी साइड लाइन पूरे लाइनिंग पर लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इस साइड में हमारी ये लाइन आ गई है। तो हमें पूरे लहंगे मतलब सॉरी लाइनिंग पर ज़रूरत नहीं पड़ी खींचने की। अब हम कैनकेन लगाएंगे तो उसके लिए आपको इस तरह से खोल के रखना है इसको और ये अपनी कैनकेन को रखना है इस तरह से। और इसमें इस तरह से प्लेट डालकर हम सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आप बड़ी बड़ी सी थोड़ी प्लेट डालते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। तो इस तरह से आप प्लेट डालते जाइए, जो हमारी लाइन थी उसी पे हम सिलते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने
पूरी लाइनिंग पर कैन-कैन लगा ली है। अब हम इसको लहंगे में कैसे लगाएंगे, तो इसको हम सबसे नीचे रखते हैं और इसके ऊपर से हम जो हमारा, अगर आप एक ही फैब्रिक मैन लगा रहे हो तो वो रख लीजिए, नहीं तो ये नेट का है तो इसलिए इसके ऊपर से ये शाइनिंग का हम लगाएंगे, फिर हमारा नेट का फैब्रिक रहेगा जो हमारा मैन है लहंगे का। तो इस लहंगे का कुछ इस तरह से लुक आएगा। और इस पूरे लहंगे को देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।